हाय गाइस, दिस इज़ आर्किटेक्ट इन हिंदी। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया है कि इंडिया में जो है वो टिकटॉक बैन हो चुका है। तो प्ले स्टोर पर बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो टिकटॉक के जैसा जो है वो फीचर प्रोवाइड कराते हैं, बट वे जो है वो इतनी इतनी सक्सेस नहीं हुई हैं। तो अभी हाल ही में जो है वो इंस्टाग्राम ने जो है कि इंस्टाग्राम पे जो है इंस्टाग्राम रील्स के नाम से जो है वो एक फीचर्स लॉन्च कर दिया जो कि बिल्कुल टिकटॉक जैसा है। तो बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही है, जैसे टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते थे और जो फीचर्स टिकटॉक पे थे, तो वैसे के वैसे इस पे आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उस पर आप जो है वीडियो कैसे अपलोड करोगे। तो आपको जो इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है सर्च पर। तो आपको यहाँ पे जाना है सर्च पे। सर्च पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर पहले ही दिख जाएगा, ये आप देख सकते हो बीवी की वाइंस का, देख सकते हो अभी वीडियो चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रील्स का नाम से वीडियो का साइन आया हुआ है, तो आपको जिस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल टिकटॉक के जैसा है। यहाँ पे आपकी वीडियो जो है, जैसे आप टिकटॉक पे स्वाइप करने से आपकी वीडियो जो अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो चलती थी, वैसे इस पे जो है वो चल रही है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल जो है वो टिकटॉक के जैसा ही है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इस पे जो है वीडियो कैसे अपलोड करनी है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल टिकटॉक जैसे फीचर्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। नीचे मैसेज है, यहाँ पे इतने हर्ट मिले हुए, लाइक मिले हुए हैं, यहाँ पे इतने लाइक हैं, यहाँ शेयर करने का, कमेंट करने का, ये बिल्कुल फीचर्स वैसे टिकटॉक जैसा ही है, सारा टिकटॉक जैसा ही है अभी ये। तो अभी यहाँ से आपको ऊपर साइन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो आपको ऊपर कैमरे का साइन दिखेगा तो आपको जिस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है वीडियो जो है तुरंत जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है नीचे यहाँ से आप शूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉन्ग भी लगा सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे पहले ऊपर दिख रहा होगा ये म्यूज़िक का, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं वो आपको सॉन्ग दिए होंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टिकटॉक में आप यूज करते थे। और यहाँ पे आप ब्राउज में जो है वो सर्च भी कर सकते हैं, कोई सॉन्ग या कोई गाना आपको अगर पसंद हो तो यहाँ से आपको कोई भी जो भी आपको सॉन्ग जो है वो लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मैं भी इसको चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप जो है इस सॉन्ग को जो सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लिरिक्स भी है, जो लिरिक्स भी यहाँ पे आपकी अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप अपने लिरिक तो यहाँ से आप जो अपने लिरिक्स के हिसाब से जो आपको जो है जो सा डायलॉग या कोई सॉन्ग्स वगैरह पसंद हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो बटन पे क्लिक करना है, तो आपको जो बटन पे क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ऊपर सॉन्ग यहाँ पे देख सकते हो, सॉन्ग जो वो लग गया कमांडो 3 का। अगर आपको यहाँ से प्ले करके देखना है तो आपको यानी कि अपनी वीडियो की जो है स्पीड बढ़ानी है, तो यहाँ से आप अपनी इसको जो है स्पीड भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और दूसरे पे या तीसरे पे आपको दिख रखा है यहाँ पे जो आप इसके इफेक्ट वगैरह भी आप जो है अपने हिसाब से, अगर आपको कोई इफेक्ट पसंद है तो यहाँ से आप इसके जो है इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। और चौथा जो है यहाँ पे आप इसकी टाइमर भी सेट कर सकते हैं कितने मिनट की आपको वीडियो शूट करनी है। तो जैसे ही मैं अभी इस पे जो क्लिक करूँगा अपनी वीडियो शूट पे, तो यहाँ पे जो है साथ ही साथ में मेरा जो है ये सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, जैसे अभी आपको सुना देता हूँ मैं। तो जैसे कि आपने देखा अभी जो है ये मेरा जो वीडियो शूट हो गया है, और यहाँ से जो है आपका टाइमर भी यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपका नीचे वीडियो जो है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, आपको जितनी भी यहाँ से सेलेक्ट करनी थी यहाँ से आप उसको प्ले करके देख सकते हो कि अगर आपको कोई यहाँ पे एडिट करनी है तो, अगर आपके अगर कुछ और एडिट करना तो यहाँ से ऊपर आप डबल लेके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे लिखना हो तो आपको टाइप करके यहाँ पे जैसे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है और डन पे क्लिक कर देना है, तो आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ है कोई इफेक्ट वगैरह लगाना हो, यहाँ से आप इसको कुछ इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, एडिट वगैरह कर सकते हो जैसे आपको पता ही है ये। तो और फिर आपको यहाँ पे जो है सबसे नीचे एरो का साइन है, इस एरो के साइन पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे एरो के साइन पे क्लिक करोगे तो फिर जो है आपका जो है यहाँ पे ये इसका जो है रील्स का इसकी सेटिंग में आ जाओगे। यहाँ पे फिर आपको दिखेगा ऊपर ऑप्शन दिख रखा है रील्स का, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना हो, कैप्शन वगैरह कोई भी, जैसे आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। और फिर इसके बाद अगर आपको स्टोरीज में भी ये अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप स्टोरीज में भी किसी को स्टोर करनी है तो यहाँ पे आप जो इसको सेंड कर सकते हो स्टोरीज में। और अगर आपको सेव करनी है सिर्फ एज ए ड्राफ्ट तो आप नीचे एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको जो है ये यहाँ पे इस पे शेयर ही करनी है रील्स पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या है कि मेरी जो है यहाँ पे वो अपलोड हो गई है, अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये मेरी अपलोड होनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही अपलोड पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ से आपका जो है ये पर्सनल अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का, तो इससे लिंक है, तो यहाँ पे आप जो है इसको टिकटॉक की जैसे यूज कर सकते हो। तो काफ़ी ईजी है, टिकटॉक के जैसे अच्छा फीचर्स है। अगर आप टिकटॉक फैन है, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते थे तो अब जो है टिकटॉक बैन होने की वजह से जो है आप जो है इस इंस्टाग्राम रील्स को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।